अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान च कल एक बड़ा शर्मनाक वाकया होया कि श्रीलंकन एक शहरी नूं सियालकोट दे विच जिंदा जला दिता गया, धर्म की तोहीन के नाते, मजहब की तोहीन के नाते। जिहदी जिन्नी भी मजम्मत करिए, जिन्ना भी कंडेम करिए, बहुत थोड़ा है। चंद शिद्दत पसंद लोग होंदे ने जिहड़ा कि एक माशरे नूं, एक धर्म नूं बदनाम करदे ने। इस्लाम एक मजहब जिहड़ा वा उह पीस दा, मुहब्बत दा, शांति दा धर्म है। ये चंद जे गुंडागर्द नासर ने, जो इंसानियत दुश्मन ने, ये पाकिस्तान च भी ने, हिंदुस्तान की दुनिया हर जगह पाए जाते हैं, जेडे कि माशरे के बल के नाते, ना सिर्फ इंसानियत नाते बल्कि एक धर्मां दे उत्ते भी सियाह धब्बा ने। सो सानू बड़ी शर्मिंदगी है। असी हाथ जोड़ के श्रीलंका को माफ़ी मंगते हैं, और जो बेदर्दी तरिंदा तरीके उन्होंने कतल किया गया है, सानू बड़ी शर्म आती है। सो असी हाथ जोड़ अपने श्रीलंका वाले भरावों को माफ़ी मंगते हैं कि साडे मुल्क कोई ऐसे दरिंदे रहिंदे ने जिहड़ा कि इंसानियत दे दुश्मन ने। सो पाकिस्तान सरकार ने फौरी तौर ते वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक्शन लिया वा, वो सारे जिहड़े भी मरकजी मुलजम से 118 बंदे गिरफ़्तार हो गए हैं, 900 का परचा हो गया है। इंशाल्लाह उन्होंने कड़ी दे कड़ी सज़ा दी जाएगी। और सब तो अच्छी चीज़ यह भी हुई कि पाकिस्तान के लोग उठ खड़े हुए इस जुर्म के खिलाफ, चाहे कोई मजहबी लोग ने या कोई लिबरल ने या कोई टीचर ने या जिस किसी भी शोबे डिपार्टमेंट के लोग ने, उन्होंने कंडेम किया, उसकी निंदा की है। हर बंदे ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ चुकी है, जी एक अच्छी चीज़ है। पर जी इंसानी जान तुर गई है वो वापस नहीं आ सकती, पर असी उस परिवार को, उस फैमिली को, उस पूरी श्रीलंका की आम को, असी पूरे पाकिस्तानी माफ़ी मंगते हैं। असी शर्मिंदा, और सानू भी चीज़ देखनी चाहिए है कि साडे माशरे च ना सूर पलंदे ने जिहड़े कि नफरत का सबब बनते हैं, जंगा का लड़ाई सबब बनते। जिस तरह के आप इंडिया से गल करिए कि कुछ लोग नफरत के पुजारी ने, जिस तरह आप सीधे कह लिए भी RSS है, इदा ही पाकिस्तान के कुछ लोग नफरत के पुजारी है। और चाहे नफरत का जो बंदा पुजारी आ, वह चाहे इंडिया चाहे पाकिस्तान चाहे, किसी धर्म ना किसी मजहब ना कोई तलक नहीं हुंदा, क्योंकि जिहड़े लगे नफरत के पुजारी लोग, ये सिर्फ मजहब का सहारा लेके लोगों को, नौजवानों, यूथ को, उन्होंने ब्रेन वाशिंग करते हैं। हालांकि इन्हों का किसी मजहब का कोई तलक नहीं हुंदा। दुनिया का कोई मजहब भी लड़ाई मारकुट की तशद्दुद की कोई इजाजत नहीं देता। और जो इस्लाम मजहब है, ये तो है ही मजहब शांति का, पीस का, अमन का। सो सानू बड़ी ही इस चीज़ के उत्ते शर्मिंदगी भी है। और अच्छी चीज़ है कि पंजाब पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के आर्डर से सारे गिरफ़्तार भी कर लेने। और इंशाल्लाह असी कोशिश करांगे कि साडे माशरे चो ये चीज़ां मुक्कण, खत्म होन। और एक फर्द होने के नाते हर पाकिस्तानी का, साडा इत्थे हर पंजाबी का, जिहड़ा भी तुसीं तलक रखदे, साडा फर्ज़ बनता है कि असी इन्हां चीज़ां रोक लाइए, क्योंकि असी अमन शांति पीस चाहते हैं पाकिस्तान च, इंडिया च, पूरी दुनिया च। ते रब सोने को यही द्वार दास प्रार्थना है कि रब सोना अमन शांति कायम रखे।